स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट के इस वीडियो में और मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु जायसवाल। 12 जुलाई से जो भारत का वेस्टइंडीज दौरा शुरू हो रहा है उसके लिए एक बड़ी खबर जो है वो सामने निकल कर आई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जुलाई से जो भारत का वेस्टइंडीज दौरा है जहां पर भारत को 2 टेस्ट मुकाबले, 3 वनडे मैच और 5 टी20 मुकाबले खेलने हैं वेस्टइंडीज से, उसके लिए जो टीम अनाउंस की जाएगी वहां पर उससे पहले एक ब्रेकिंग आई है, रिपोर्ट आई है कि वहां पर यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है और सिलेक्शन कमेटी जो शिव सुंदर दास की अध्यक्षता में जो अभी फिलहाल लीड कर रही है कमेटी, वो ये सोच रही है कि वहां पर सीनियर खिलाड़ियों के बजाय यंगस्टर्स पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो उसमें चर्चा ये भी है कि चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव की जगह पर डिस्कशन होगा कि इन्हें टेस्ट टीम में रखना है या नहीं रखना है। साथ ही साथ यंगस्टर्स जैसे कि यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, जितेश शर्मा और मुकेश चौधरी, इन्हें भी टीम में कंसिडर किया जाएगा। और रिपोर्ट ये है कि यशस्वी को टेस्ट स्क्वाड और टी20 स्क्वाड में रखा जा रहा है और जो बाकी जो प्लेयर्स हैं, ऋतुराज गायकवाड़ है, जितेश शर्मा है, रिंकू सिंह है, इन तीनों खिलाड़ियों को टी20 स्क्वाड में रखा जा रहा है और मुकेश चौधरी और यशस्वी इन दोनों को टेस्ट में रखा जा रहा है। ऐसी खबरें जो है पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक है। और अगर ऐसा होता है तो ये हो सकता है कि भाई आप यशस्वी जायसवाल को टेस्ट में डेब्यू करते हुए प्लस टी20 में डेब्यू तो लगभग तय है कि यशस्वी जायसवाल करने वाले हैं। शुभमन गिल प्लस यशस्वी आपको टी20 में ओपन करते हुए देख सकते हैं या फिर ऋतुराज गायकवाड़ प्लस यशस्वी आपको ओपन करते हुए देख सकते हैं। रिंकू सिंह का लगभग खेलना तय माना जा रहा है नंबर 5 नंबर 6 पर। साथ ही साथ जितेश शर्मा भी विकेट कीपर ऑप्शन में हो सकते हैं संजू सैमसन के साथ और मुकेश चौधरी और यशस्वी टेस्ट में आपको दिखाई दे सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में सामने आए हैं। और अगर ये सच होता है तो यशस्वी का जो सपना है, जो यशस्वी ने जो मेहनत की है आईपीएल में जिस तरह का फॉर्म रहा है, उनका सपना सच हो जाएगा और हो सकता हो आगे आने वाला जो फ्यूचर हो वो यशस्वी जायसवाल का हो, क्योंकि उन्होंने इंटेंट दिखाई, उन्होंने अपना वो दिखाया कि उनमें कितना पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल का अब यूज़ करने का समय जो है वो इंडिया के लेवल पर आ चुका है। तो ये देखना होगा कि सीनियर खिलाड़ी जो हैं जैसे कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं और मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा समेत इन प्लेयर्स को क्या रेस्ट मिलता है, क्योंकि अभी तो एक महीने का रेस्ट है। तो क्या टेस्ट और ओडीआई खेलने के बाद टी20 टीम में नए कप्तान मतलब हार्दिक पांड्या ही लीड करेंगे, क्या नई टीम होगी, या फिर जो सीनियर प्लेयर्स है वो टेस्ट और ओडीआईज भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि वेस्टइंडीज है तो ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है नहीं। बट ये भी हो सकता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप के लिहाज से, डब्ल्यूडीसी साइकिल के लिहाज से शायद सीनियर प्लेयर्स भी उसमें हिस्सा लें, क्योंकि और एक महीने का रेस्ट भी अभी है। तो चांसेस यही है कि सीनियर प्लेयर्स भी जाएंगे, टेस्ट और ओडीआईज खेलेंगे और टी20 में आपको नई टीम एकदम नज़र आ सकती है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।